जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बेटा, आज मैंने आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ चीजें बतानी है, तो बस हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक दो मिनट आपको वेट करना होगा। टाइट्रेशन से रिलेटेड मैं आपको बेटा ये बताऊंगा कि कैसे आप ड्यूरिंग द टाइट्रेशन जो आपका प्रैक्टिकल होगा बेटा, कैम्ब्रिज का जो प्रैक्टिकल है, उस पेपर में आप किस तरह मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। मतलब 4 मार्क्स उसमें टेबल के हैं, उसमें कोई परफॉर्मेंस का रोल नहीं है, ठीक है। और कैलकुलेशन अगर आप सही करेंगे फिर भी आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो कैलकुलेशन करने का तरीका, टेबल आप अगर सही बनाएं, यूनिट्स उसकी सही लिखें, तो 4 मार्क्स वहां से मिल जाएंगे। 3 मार्क्स एक्यूरेसी के होते हैं, उसमें से बच्चे भी कुछ एक दो तो ले ही लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आज की क्लास में आपसे डिस्कस करनी है। और एक पूरा क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था कि रिडॉक्स टाइट्रेशन मैं आपको करवाऊंगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन, वो बच्चे जिनका 3-3 वाला ग्रुप है वो तो बहुत गौर से सुने, लेकिन आप बेटा ज़हन में रखें टाइट्रेशन हर प्रैक्टिकल में आती है, किसी में रिडॉक्स आ जाएगी, किसी में एसिड बेस आ जाएगी, फर्क तो कोई नहीं है ना। सिर्फ रिडॉक्स में इंडिकेटर यूज नहीं होगा, एसिड बेस में इंडिकेटर यूज हो जाएगा। तो इसलिए जरा ध्यान से आपने सुनना है। मैं बेटा स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। आपको से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, तो इसलिए क्लास के एंड तक आपने बेटा साथ ही रहना है। ये पेपर में जो है ये आपके सामने, इसमें क्योंकि एक रिडॉक्स का बेटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने सोचा यही पहले आपसे डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। ये है मई जून 2015 का। अच्छा बेटा देखिए, एक मिनट वेट, सिर्फ एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं जरा एक दो बच्चों का वेट अ मिनट। बस बच्चों को बेटा जो है ना मुझे जूम का लिंक सेंड करना होगा, वेट अ मिनट, क्योंकि आपको पता है कुछ बच्चों का यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है उसका इंटरनेट का भी। वेट अ मिनट जी, एक मिनट जी, अभी हम मैं जरा जूम का भी लिंक शेयर कर दूं। एक मिनट बेटा सिर्फ, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कुछ बच्चे बाहर के भी होंगे, जो पाकिस्तान में बच्चे हैं उनका यूट्यूब जो है ना काम नहीं कर रहा। बेटा आप वो यूज कर सकते हैं, वैसे वीपीएन लगाएं, मैंने भी वीपीएन ही यूज किया हुआ है, उससे आ जाता है, ठीक है। आप लोग तो टेक्नोलॉजी में ज्यादा आगे होते हैं, आप लोगों को तो ये बातें पता होनी चाहिए भाई। वीपीएन यूज करें, आपकी लोकेशन चेंज कर देगा और फिर आप जी बेटा हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये कहा है कि आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा टाइट्रेशन से रिलेटेड। बेटा अब मेरी बात सुने, क्योंकि थ्योरी देखें, थ्योरी का पेपर तो नहीं हो रहा है, ठीक राइट।
अब अगर थ्योरी का पेपर नहीं हो रहा तो सारा बर्डन जो है आपकी जो परसेंटेज है कैम्ब्रिज की मेल आ चुकी है कि जो आपके ग्रेड्स लगेंगे वो अब जो बाकी कंपोनेंट्स बचे हैं इसके बेस पर लगेंगे। तो अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी प्रैक्टिकल के ऊपर, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने चीजें सुननी है कि अगर आप लोगों से वहां पर परफॉर्मेंस नहीं हुई, सपोज आपसे टाइट्रेशन हो ही नहीं रही, कलर चेंज नहीं हो रहा, या ब्यूरेट के अंदर जो केमिकल डालना था आपने गलती से कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया, कॉनिकल फ्लास्क वाला ब्यूरेट में डाल दिया, तो मैं आपको बताऊंगा उस सिनेरियो के अंदर भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके सिर्फ 3 मार्क्स कटेंगे। बाकी आप ये देखें सारे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, वो किस तरह मिलेंगे वो अब आप जरा मुझे सुनेंगे। पर टाइट्रेशन के अंदर पहले मैं आपको टाइट्रेशन से रिलेटेड कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक है? टाइट्रेशन से रिलेटेड कुछ चीजें पहले सुन लें। टाइट्रेशन में एक तो यूज होता है ब्यूरेट, कि बड़ा इस तरह का ब्यूरेट होगा, और ब्यूरेट जो है इसके अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है जी? ये आपके है 0, ये आपका है जी यहाँ पर 1, सपोज ये 2 है, ये 3 है, इस तरह ये बेटा कहाँ तक जा रहा होगा, 50 तक जा रहा होगा, राइट? अब 0 से 1 ये आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और ये बेटा आपका 0.5, देन 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये आपका आ गया 1, ठीक है? अब आप सिर्फ इस एरिया को बेटा देखेंगे, बस आप ये देखें कि इस ब्यूरेट के अंदर जो मिनिमम वॉल्यूम है वो आप कितना मेजर कर सकते हैं, जो इसका लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ दिस ब्यूरेट इज 0.1 cm³, लीस्ट काउंट देखें ना, 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1, 1.00. अब आपको पता है कि लीस्ट काउंट को बेटा, लीस्ट काउंट को आप जब भी 2 से डिवाइड करें ना, तो आपके पास उस इंस्ट्रूमेंट का, उस अपरेटस का एरर आ जाता है, अनसर्टेनिटी आती है। तो लीस्ट काउंट है 0.1, इसको आप अगर 2 से डिवाइड करें तो 0.05 इसकी अनसर्टेनिटी है, एरर है। तो बेटा जो एरर होगा ना, जो एरर होगा, एरर इसका क्या है, ±0.05, मतलब ये ब्यूरेट के अंदर आप जब भी रीडिंग करेंगे तो इतने एरर के चांसेस होंगे। क्यों होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा क्यों होता है। देखो बेटा आप ये तो पता है ना कि जब भी सपोज अगर आपने वॉल्यूम मेजर करना है, रीड करना है, इस तरह है ना, ये वाट, ये कोई केमिकल है, तो पहली बात कि आप जो वॉल्यूम मेजर करेंगे वो लोअर मेनिस्कस को देखेंगे, ये जो ब्लैक लाइन में लगा रहा हूं, आप देखेंगे कि लोअर मेनिस्कस कहां पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है जी, 0.1 पर आ रहा है ना, कितने पर आ रहा है, 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप बताएंगे 0.10 क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी मैं 2 decimal place की बात भी बताता हूं कि आपने जब भी वॉल्यूम मेजर करना है कितने डेसिमल प्लेस पर लेना है। लेकिन जब भी आप केमिकल को, अच्छा अगर आपका कलरलेस है ना केमिकल, अगर आपका केमिकल कलरलेस है तो आप लोअर मेनिस्कस, ये लोअर मेनिस्कस बेटा ये है, ये जो मैंने ब्लैक कलर से देखे मार्क करने जा रहा हूँ ना, ये लोअर मेनिस्कस है, इस वॉल्यूम को आपने नोट करना होगा, ये कितना है, 0.10, ठीक है? अगर आपका कलरफुल है ना, जो कि इस तरह, जो आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा रिडॉक्स टाइट्रेशन, उसमें K-NO4 आपको पता है पर्पल कलर का होता है, तो अगर आपके पास कलरफुल सॉल्यूशन होगा तो उसमें आप अपर मेनिस्कस देखते हैं, वो बातें मैं भी आपको बता देता हूं। लेकिन जनरली हम अक्सर कलरलेस केमिकल को ब्यूरेट में डालते हैं तो आपने लोअर मेनिस्कस को रीड करना है। यहां तो कोई मसला नहीं आ रहा क्योंकि ये लोअर मेनिस्कस एग्जैक्टली यहां पर आ रहा है इस लाइन के ऊपर, 0.10 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन अगर ऐसे हो कि आपका ये वॉल्यूम इन दो लाइंस के दरमियान में आए, देखें ऐसे, अब आप क्या कहेंगे जी, अब देखें ये इसके दरमियान में आ रहा है ना, अब 0.1 का हाफ कितना होगा, 0.05। तो अब आप इसको 0.05, जब केमिकल आपका जो उसका लेवल है वो दो लाइंस के दरमियान में हो, तो वो बेटा आप 0.05 आप 0 के साथ भी उसको पढ़ सकते हैं और नीचे वाले के साथ भी पढ़ सकते हैं, इसलिए ये अब आपका एरर है, ठीक है? अब ये आपका एरर आ रहा है। तो इसलिए आपको इन शॉर्ट जो बात बतानी थी वो ये
कि ब्यूरेट में जो एरर होगा वो 0.05 है, प्लस माइनस इतना ज्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। अब जो बेटा एरर होता है ना वो कितने डेसिमल प्लेस पर आ रहा है बेटा, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2। तो याद रखिएगा ब्यूरेट में आपने जब भी वॉल्यूम को नोट डाउन करना है तो आप 2 डेसिमल प्लेसेस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ जी इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम अगर ये आ रहा है ना तो आप इनिशियल वॉल्यूम को बेटा आपने 0 नहीं लिखना, आप लिखेंगे 0.00 और क्यूबिक सेंटीमीटर। मैं भी आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने 2 डेसिमल प्लेसेस लिखने हैं, 0 नहीं लिखेंगे, 0.00 इस चीज के मार्क्स। और सपोज फाइनल वॉल्यूम अगर मेरा 20 पर आ रहा है, 20 पर, तो मैं इसको लिखूंगा फाइनल वॉल्यूम जो मेरा आ रहा है वो 20 इस तरह नहीं लिखूंगा, 20.00, ठीक है। क्योंकि बेटा देखिए लीस्ट काउंट इसका, अच्छा बाज दफा वो लीस्ट काउंट 0.1 कह रहा होता और बाज दफा आपको लीस्ट काउंट 0.05 भी कह सकता है, तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। लीस्ट काउंट 0.05 वो अगर कह रहा होगा तो वो पता है किस बेस पर कह रहा होगा, इस बेस पर, सुने कि अगर देखें 0.1 तो आप इसमें मेजर कर सकते हैं ना मिनिमम, लेकिन अगर वॉल्यूम 2 लाइंस के दरमियान में आ रहा है तो फिर डेफिनेटली आप 0.1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.05 फिर लीस्ट काउंट होगा। लेकिन याद रखिएगा जब भी हम वो अलाउ करता है मार्क्स की, में परेशानी की बात नहीं है बेटा, वो अलाउ करेगा, 0.1 लीस्ट काउंट है, और अगर कोई बच्चा 0.05 लिखेगा तो वो इसको अलाउ करता है। लेकिन जब तक एग्जामिनर कुछ ना कहे और आपसे वो पूछ रहा हो कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ ब्यूरेट, तो आप 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर लिखेंगे, ठीक है। और इसका एरर कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो उसका एरर आएगा। अब परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं वो भी सारी बातें बेटा आज की क्लास में डिस्कस होंगी, लेकिन पहली बात ब्यूरेट को यूज कैसे करना है, तो ये जो मैं अभी आपको बातें बताने जा रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सुनने कह रहा है कि when using a burette, आप बेशक इन बातों को लिख लें या ये क्लास जो है ना रिकॉर्ड भी हो रही है बाद में भी सुन सकते हैं। कह रहा है चेक क्लीनलीनेस एंड रिंस द सॉल्यूशन टू बी मेजर्ड। बेटा फॉर एग्जांपल मैंने ब्यूरेट में पता है क्या डालना था, NaOH। ब्यूरेट में क्या डालना है, NaOH। पहली बात तो वो ये कह रहा है कि आपकी ब्यूरेट क्लीन होनी चाहिए। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि आपने जोन सा केमिकल अपने ब्यूरेट में डालना है तो आप अपने ब्यूरेट को उस केमिकल के साथ रिंस करें। रिंस का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा NaOH लेकर इसकी वॉल के साथ जो है ना आप उससे पास करवाएं, वॉल के साथ उसको टकरा कर उस पास करवाएंगे। क्यों, अरे देखें बाज दफा सपोज करते हैं आपको जो ब्यूरेट मिली वो किसी ने वॉश की हुई थी वाटर के साथ, ठीक है, और वाटर के ड्रॉपलेट्स बेटा इधर लगे हुए थे, ये इधर आपने ऊपर से NaOH डाल दिया, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक कंसंट्रेटेड एक जो है ना ऐसा NaOH का सॉल्यूशन डाला जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता थी इतनी है। लेकिन जब आपने NaOH का सॉल्यूशन ऊपर से डाला तो वो तो बेटा ब्यूरेट के अंदर साइड पर वाटर था तो आपका तो NaOH का सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं हो गया, डाइल्यूट हो गया ना, इसलिए आपका आगे सारे रिजल्ट खराब आएंगे। इसलिए क्या करना है आपने कि जब भी ब्यूरेट यूज करनी है तो जोन सा केमिकल आप अपने ब्यूरेट में डालेंगे तो आपने पहले प्रैक्टिकल से पहले अपने ब्यूरेट को उस केमिकल के साथ रिंस करना है। तो आप ये लाइन लिख लें, ये आपसे पूछेगा नहीं लेकिन आपको ये एहतियात करनी है, फिर आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। चेक द क्लीनलीनेस एंड रिंस द सॉल्यूशन टू बी मेजर्ड, और आपने उस सॉल्यूशन के साथ रिंस करना है ब्यूरेट को जो आपने आगे यूज करना है। अच्छा नेक्स्ट ब्यूरेट को यूज करने की चीजें बता रहा हूं। Check that the tip is full of solution. बेटा देखें बाज दफा यहाँ पर ना कोई stoppers आ जाता है या कोई और चीज होती है, इसकी वजह से आपकी टिप जो है ना ये सोल्यूशन के साथ फिल नहीं होती, तो कह रहे हैं ये आप कोशिश देखेंगे कि जो आपकी टिप है वो भी सोल्यूशन के साथ फिल हुई हुई है या नहीं हुई हुई, ठीक है। अच्छा जब भी आपने ये देखा होगा कि जब आप बेटा ब्यूरेट को फुल कर रहे होते हैं ना तो इस तरह ऊपर फनल होती है, है ना, फनल से आप डालते हैं, तो वो कह रहे हैं रिमूव द फनल आफ्टर फिलिंग। रिमूव कर आपने फनल रिमूव करनी है, राइट। तो ये तीन बातें मैंने अभी तक बताई हैं कि ब्यूरेट क्लीन होनी चाहिए और ब्यूरेट के जब आप ऊपर सॉल्यूशन डाल रहे हो तो चेक कर लें कि सॉल्यूशन इसके आखिर तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, स्टॉपर तक जा रहा है या नहीं जा रहा, और रिमूव द फनल आफ्टर फिलिंग। अब आ जाए आगे, कह रहा है कि रीड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ कि लोअर मेनिस्कस, बट आपने लोअर मेनिस्कस को रीड करना है, ठीक है जी।
लोअर मेनिस्कस को रीड करना है. लोअर मेनिस्कस पता है ना बेटा कि आपके पास ये जो ये ब्यूरिट है ना, तो इस तरह आपके पास आ रहा होता है. तो ये जो लोअर मेनिस्कस होगा इसका, ये यहां से आप रीडिंग लेंगे, ये आप रीडिंग मेजर करेंगे. इफ योर केमिकल इज कलरलेस, अगर आपका केमिकल कलरलेस नहीं है, कलरफुल है, जैसा कि केमनोफोर के केस में बेटा ये होता है, आपने केमनोफोर डाला है ना ब्यूरिट के अंदर, तो केमनोफोर में आप अपर मेनिस्कस देखेंगे. याद रखिएगा, अगर सॉल्यूशन इज कलरफुल, अगर सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, कलरफुल होगा, देन यू विल रीड द अपर मेनिस्कस. अपर मेनिस्कस और 2 decimal प्लेस पर आपने बेटा रीडिंग नोट करनी है, ठीक है. अच्छा आगे चलें, कह रहा है एड द सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरिट ड्रॉप बाय ड्रॉप, और आपने साथ में जो कॉनिकल फ्लास्क है उसको शेक करते रहना है, और टेक द रीडिंग टू द नियरेस्ट हाफ स्केल डिवीजन 0.05 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये तो बेटा आपको मैंने यूज बताया एक ब्यूरिट को, ब्यूरिट के यूज करने के जल्दी से पॉइंट दोबारा बताता हूँ कि आपकी ब्यूरिट क्लीन होनी चाहिए, फिर आपने जब उसमें सोल्यूशन डालना है तो चेक करना है सोल्यूशन टिप तक जा रहा है या नहीं जा रहा है. बेटा स्टॉपर पहले आपने चेक कर लेना है, ये बात ध्यान में रहे कि बाद जब आपको ब्यूरिट्स मिलेंगी प्रैक्टिकल के दौरान और आपकी ब्यूरिट का स्टॉपर जो है ना वो सही काम नहीं कर रहा होगा, तो फौरन जैसे ही आपको ब्यूरिट मिला आप उसको चेक कर लें, उसमें वाटर डालकर या उसमें वही केमिकल जो आपने डालना है वो डालकर चेक करें कि आपका स्टॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा. बेटा अगर आपका स्टॉपर काम नहीं कर रहा तो आपको फौरन एग्जामिनर को बताना है जी मेरा स्टॉपर काम नहीं कर रहा और इसके वजह से जो मेरा टाइम जाया हुआ है ये टाइम आप मुझे एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है. अच्छा इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि फनल जो होगी वो आपने ब्यूरिट से रिमूव करनी है, ठीक है. और जब भी रीडिंग लेनी है आपने लोअर मेनिस्कस, इफ योर केमिकल इज कलरलेस, इफ योर केमिकल इज कलरफुल, देन अपर मेनिस्कस वाली रीडिंग नोट करनी है और ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है, ठीक है. कॉनिकल फ्लास्क को बेटा आपने नीचे से शेक करते रहना है और जो रीडिंग लेंगे वो 2 decimal प्लेस पर लेंगे. पिपेट पर आ जाए बेटा, पिपेट, पिपेट को कैसे यूज करते हैं बेटा. पिपेट के लिए याद रखें पहले तो आपको पिपेट का पता होना चाहिए कि पिपेट आपको स्कूल की लैब में एक 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वाली मिलती है और एक 25 वाली मिलती है मोस्टली, ठीक है. इस तरह की होगी ना पिपेट बेटा, और यहां इसका एक निशान से लगा होगा. एक 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वाली होती है और एक थोड़ी बड़ी होती है 25. लेकिन आपने पिपेट जब भी यूज करनी है बेटा इसके ऊपर सेफ्टी फिलर लगाना है. इस तरह का आपने देखा एक बैलून सा होता है सेफ्टी फिलर, और उससे आप केमिकल को ऊपर की तरफ सक करते हैं, ठीक है. तो इसमें यूज अ सेफ्टी फिलर, ये सेफ्टी फिलर बेटा आप यूज करेंगे. इसमें बाज दफा इस तरह होता था पहले कि बच्चे जो है ना सेफ्टी फिलर नहीं होता था तो वो मुंह से सक करते थे जिसकी वजह से केमिकल मुंह में जाने का चांस होता था, ठीक है. अच्छा रेंज द सॉल्यूशन टू बी मेजर्ड, अच्छा ये काम बेशक आप पिपेट में ना कीजिएगा, अगर टाइम हुआ तो कर लें, बहुत अच्छी बात होती है कि आप इस पिपेट को भी उसी सॉल्यूशन के साथ रिंस करें जो सा सॉल्यूशन आपने इसमें डालना है. रीजन वही है बेटा कि अगर पिपेट आपके अंदर से वेट है तो आप जो अपना सॉल्यूशन इसमें डालेंगे तो आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, इसलिए आप इस पिपेट को भी रिंस करें उस केमिकल के साथ जो केमिकल आपने इसमें डालना है. अच्छा फिर कह रहे कि लाइन अप द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस विद ग्रेजुएशन एट आई लेवल. बेटा बिल्कुल वही बात कि ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये इस तरह लोअर मेनिस्कस इसका यहाँ पर आना चाहिए, लोअर मेनिस्कस, ठीक है. अच्छा फिल होने के बाद फिर क्या करना है, allow to drain under gravity. बेटा फिर आपने इस केमिकल को जब एक दफा फिल हो गया है फिर आपने इस केमिकल को अलाउ करना है कि यहां से वापस कॉनिकल फ्लास्क में आप इसको डालें. अच्छा फिर क्या होता है, एक और चीज सुन ले बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगा हूं कि बाज दफा ये होता है कि बच्चे जब इस पिपेट को खाली कर रहे होते हैं इनटू द कॉनिकल फ्लास्क तो बेटा थोड़ा सा लिक्विड यहां रह जाता है, आपने इन चीज नोट की होगी ना, थोड़ा सा लिक्विड यहां रह जाता है जो पिपेट की बिल्कुल बॉटम वाली जगह है वहां पर. तो आपने क्या करना है, टच द टिप ऑफ द पिपेट, ये जो बेटा टिप है ना इसको टच करना है इस फ्लास्क के बॉटम के साथ, ठीक है. इस टिप को जो पिपेट की टिप है इसको बॉटम के साथ टच करें, ये जो फ्लास्क है हल्का हल्का इसको आप टच करें तो फिर क्या होगा कि जो लिक्विड थोड़ा सा पिपेट के टिप में रह गया है वो भी कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर हो जाएगा. ये बात आपने बहुत ध्यान से देखनी है कि आया सारे का सारा केमिकल मैंने पिपेट से ट्रांसफर किया है इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, अगर नहीं किया तो आपका रिजल्ट आगे खराब आएगा, ठीक है. तो ये आपने लाजमी करना है. अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन के ऊपर, रिडॉक्स डाइट्रेशन है, जरा इस क्वेश्चन को बेटा पढ़ें एक मिनट.
कह रहा है कि इन दिस क्वेश्चन यू विल डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन टू इन एफ ए टू. टू डू दिस यू विल डू a titration using potassium manganate. The iron 2 ions are oxidized by manganate ions. Ab isme aapke paas the equivalent balance hai. Iron 2 is a good reducing agent, KMnO4 is a good oxidizing agent, theek hai bhai, aur acidified KMnO4 hai. Iron 2 dekhen iron 3 mein ja raha hai. Iron 2 kya kar raha hai, electron lose kar raha hai, और MnO4 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. आप सबको पता है मैगनीज प्लस 7 में होता है बेटा, यहाँ पर मैगनीज is in plus 7 और यहाँ plus 2 में जा रहा है. आपको पता है KMnO4 का कलर क्या होगा, पर्पल, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलरलेस. अब देखें यहाँ पर जब भी रिडॉक्स टाइट्रेशन होगी ना, और आयरन 2 देखें, आयरन 2 आयरन 3 में जा रहा है ना, तो दिस इज ऑक्सीडेशन है ना, तो आयरन 2 की ऑक्सीडेशन हो रही है, MnO4 की रिडक्शन हो रही है, ये रिडॉक्स है, और रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर वी डोंट नीड इंडिकेटर, हमें इंडिकेटर की जरूरत नहीं है. पर मैं इसलिए कहता हूँ जो 3-3 वाला ग्रुप है ना, 3-3 वाला, वो जरा इस क्वेश्चन को गौर से सुने, ठीक है. When all iron 2 ions have been oxidized, अब देखें इसको वो ये कह रहा है कि fill the burette with Fe1. मैं जरा साथ साथ डायग्राम भी बना देता हूँ. ये आपकी है जी ब्यूरेट, ये आपकी ब्यूरेट है, ये आपका कोनिकल फ्लास्क है. अच्छा, इस ब्यूरेट के अंदर ना ये पर्पल कलर का होगा. आपको पता है पर्पल कलर की वजह से ना आपको नजर ही नहीं आएगा भाई कि जो ब्यूरेट की रीडिंग्स है ना, जो ब्यूरेट के ऊपर ग्रेडिंग हुई है वो आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि देखिए पर्पल तकरीबन आपको ब्लैक सा दिख रहा होगा, तो ब्यूरेट के ऊपर जो लाइन्स लगी होती है वो आपको नजर नहीं आनी, तो आपको इसलिए अपर मेनिस्कस और बड़े ध्यान से देखना होगा, तब आपको जाकर मिलेगा, ठीक है. तो अब ये है KMnO4 पर्पल कलर का, और नीचे बेटा आयरन 2 है, और ये एसिडिफाइड है, इसमें H प्लस भी. अब ये कह रहा है Fe1, बेटा ये Fe1 है, KMnO4 is Fe1, ठीक है, आयरन 2 is Fe2, और H आयन Fe3 है. Fe1 जो है वो 0.02 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर उसने लिया है. Fe2 बेटा आयरन 2 है, पर Fe3 सल्फ्यूरिक एसिड है. वो कह रहे थे कि फिल द ब्यूरेट विद Fe1, कर लिया, आपको फिलिंग का तरीका बता दिया. यूज द पिपेट टू ट्रांसफर 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ Fe2 इनटू द कोनिकल फ्लास्क. पर ये ध्यान से आपको पिपेट से जो सेफ्टी फिलर होगा उससे आपने ट्रांसफर करना है, पिपेट ऊपर लगाकर पिपेट से ट्रांसफर करना है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन 2, Fe2 का मतलब है आयरन 2, इनटू द कोनिकल फ्लास्क. यूज 25 क्यूबिक सेंटीमीटर मेजरिंग सिलेंडर टू एड 10 क्यूबिक सेंटीमीटर. बेटा मेजरिंग सिलेंडर हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो एसिड है ना, इस एसिड का रिएक्शन के अंदर कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ KMnO4 की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के अंदर हेल्पफुल है कि KMnO4 की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए, इसलिए आप एच आइन एक्सेस में डाल रहे हैं. तो मेजरिंग सिलेंडर अगर वो कह रहा है तो समझ जाइएगा कि मेजरिंग सिलेंडर का कोई यहाँ पर अगर वो मेजरिंग सिलेंडर ले रहा है, इट मींस कि आपको एसिड का वॉल्यूम कोई बहुत एक्यूरेटली नहीं चाहिए, ठीक है, एक्सेस में भी आप डाल सकते हैं, 15 क्यूबिक सेंटीमीटर डाल दें, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश ये करें कि जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसी को फॉलो करें. एड Fe1 फ्रॉम ब्यूरेट इनटू द कोनिकल. अब जरा सुने भाई, ऊपर है KMnO4 पर्पल कलर का, नीचे है आयरन 2, नीचे क्या है जी, आयरन 2 है. जब आप KMnO4 एक पर्पल ड्रॉपलेट ऊपर से डालेंगे तो क्या होगा भाई, KMnO4 पता है किसमें जाएगा, ये जरा ऊपर अब रिएक्शन देखिएगा, ये KMnO4 जो है ये Mn2+ में जाएगा. Mn2+ क्या होता है, कलरलेस, ये क्या है जी, पर्पल कलर. तो जैसे ही आप ऊपर से पर्पल कलर का एक ड्रॉप नीचे डालेंगे ना कॉनिकल फ्लास्क में, तो वो पर्पल से कलरलेस हो जाएगा. क्यों, क्योंकि भाई आयरन 2 जो है ना, आयरन 2 इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड MnO4 इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. तो जब तक आयरन 2 नीचे है ना, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा. आयरन 2 पता है किसमें जाएगा, आयरन 3 में. और जो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो कौन गेन करेगा, KMnO4, और KMnO4 पर्पल से कलरलेस. लेकिन बेटा एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारे का सारा आयरन 2 नीचे खत्म हो गया, अब नीचे आयरन 2 है ही नहीं, तो जब आप ऊपर से KMnO4 डालेंगे तो क्या KMnO4 का कलर चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि अब कोई इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर रहा, तो इसलिए
जब आप एक एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप एक एक्स्ट्रा ड्रॉप केमेनो 4 का डालेंगे तो वो पर्पल से कलरलेस नहीं होगा. तो यही वो कह रहा है कि एड FA1 फ्रॉम ब्यूरेट इनटू द कॉनिकल फ्लास्क अंटिल द सॉल्यूशन बिकम्स अ परमानेंट पिंक कलर. अब बेटा मैं आपको रफ टाइट्रेशन का पहले मकसद समझाता हूँ क्या है. देखिए होता ये है कि आपने सपोज, मैं सपोज करता हूँ हमारा यहाँ पर जो वॉल्यूम यूज हो रहा है 25, मैं ये अपने तरफ से वॉल्यूम ले रहा हूँ 25.00 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम यूज हो रहा है सपोज. तो बेटा आप एक एक ड्रॉप करके तो 25 पूरा नहीं करेंगे ना, तो वो टाइम लग जाएगा. तो रफ टाइट्रेशन पता क्या होती है कि आप पहले 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इकट्ठा डालें और चेक करें क्या कलर चेंज हुआ नहीं हुआ. फिर 1 से 2 क्यूबिक सेंटीमीटर डालकर देखें कलर चेंज हुआ नहीं हुआ. फिर 2 से 3 क्यूबिक सेंटीमीटर डालें कलर चेंज हुआ नहीं हुआ. तो आप एक एक क्यूबिक सेंटीमीटर डालते जाएं और देखते जाएं कलर चेंज हुआ. सपोज करते हैं आपने 24 से जब 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड किया तो फिर कलर चेंज हुआ. तो नेक्स्ट टाइम आप अब अभी रफ टाइट्रेशन तो आपको समझ आ गई जी 25.00 क्यूबिक सेंटीमीटर पर कलर चेंज हो रहा है. अब नेक्स्ट टाइम आप 23.00 के बाद केयरफुल हो जाएंगे भाई कि अब कलर चेंज होने वाला है. अब आप ड्रॉप वाइज डालेंगे ठीक है. तो जो रफ टाइट्रेशन होती है उसमें आप एक एक क्यूबिक सेंटीमीटर लेकर डालते जाएं या दो दो क्यूबिक सेंटीमीटर लेकर डालते जाएं और रफ टाइट्रेशन आपको आइडिया दे देगा कि कहां पर कलर चेंज हो रहा है. 25.0 पर चेंज हो रहा है 25.00 पर. तो नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो 23.00 के बाद आपने केयरफुल हो जाना है और फिर आपने ड्रॉप वाइज ऐड करना है ठीक है. तो ये रफ टाइट्रेशन मैंने यहां पर लिख दिया अपने पास से 25.00. 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे फिर बता रहा हूं. अब आ जाएं. अब वो कह रहा है कि डू एज मेनी एक्यूरेट टाइट्रेशंस एज यू थिंक नेसेसरी टू ऑब्टेन कंसिस्टेंट रिजल्ट्स. Make certain any recorded result show the precision of your practical work. Record in a suitable form below all of your burette reading and a volume of FA1 added in each accurate titration. अब बेटा यहाँ पर ये 7 marks मैं आपको बताता हूँ कैसे. इन 7 में से 4 marks तो हैं सिर्फ table बनाने के. जो बच्चा table बनाएगा ना उसको ये 4 marks मिलेंगे चाहे उसने reading सारी गलत नहीं है. 4 मार्क्स यहां से मिलेंगे. फिर ये 5, 6 और 7 ये हैं एक्यूरेसी के मार्क्स. ये बेटा एक्यूरेसी के मार्क्स हैं. एग्जामिनर जो होता है ना बेटा वो जो आपको केमिकल्स दिए जाते हैं वो 1-2 घंटे पहले उन्हीं केमिकल्स से पहले प्रैक्टिकल खुद करता है. तो वो उन्हीं केमिकल्स के साथ उसी टेम्परेचर पर वो सारे प्रैक्टिकल करके रीडिंग ले लेता है और आपको वही केमिकल्स दिए जाती है वही अपरेटिस आपको दिया जाता है. इसलिए अब जिस बच्चे का जो रिजल्ट है वो एग्जामिनर के क्लोज आएगा नीचे वाले जो 3 मार्क्स है ना 5, 6, 7 ये 3 एक्यूरेसी के मार्क्स हैं. ये मार्क्स उसको मैं भी बताऊंगा कैसे मिलेंगे लेकिन 4 मार्क्स आप सबको मिल सकते हैं अगर आप ये टेबल बनाते हैं. कौन सा टेबल है कि जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा. आप इसको इस तरीके से बनाए स्केल लेकर बड़ा साफ सुथरा आपने टेबल बनाना है. ये किया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा टेबल इसे बड़े ध्यान से समझे. यहां लिख दें एक्सपेरिमेंट नंबर या टाइट्रेशन नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी लिख दें एक्सपेरिमेंट नंबर या टाइट्रेशन नंबर राइट. तो टाइट्रेशन नंबर या एक्सपेरिमेंट नंबर टाइट्रेशन नंबर. अच्छा मैं आपको सपोज करते हैं उसने ऊपर रफ नहीं दी हुई ना. अगर उसने ऊपर रफ ना दी हो तो आप इस तरह कीजिएगा 1, 2, 3 और रफ यहां लिख दीजिए. अगर ऊपर ना हुई अभी तो ऊपर है ना इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर ये बनाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर ऊपर रफ के लिए लहदा ना दिया तो आप रफ यहां लिख. अब क्या करना है जी ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एक्सपेरिमेंट 2 एक्सपेरिमेंट 3. अब आप यहां लिखेंगे फाइनल ब्यूरेट रीडिंग. ये बड़े ध्यान से देखिएगा फाइनल ब्यूरेट रीडिंग इन क्यूबिक सेंटीमीटर स्लैश डाल दें या इन लिख दें. फिर लिखें
इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग स्लैश क्यूबिक सेंटीमीटर, फिर लिखें वॉल्यूम यूज्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर और बेटा वॉल्यूम यूज लिखें या इससे अच्छा वर्ड मैं आपको बताता हूं टाइटर। वॉल्यूम यूज मैंने एक दफा बता दिया ताकि आप लोग इसको भी ध्यान में रखें, या टाइटर इसको लिखेंगे TITRE टाइटर इन क्यूबिक सेंटीमीटर। टाइटर कहते हैं जो वॉल्यूम यूज। अब मैं आपको बताऊं जो बच्चा ये नहीं लिखेगा ना क्यूबिक सेंटीमीटर बार बार लिखने आपने हर उसमें, और जो बच्चा ये वर्डिंग नहीं लिखेगा फाइनल ब्यूरेट रीडिंग इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग और टाइटर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब सपोज करते हैं रफ टाइट्रेशन थी ना, आपका बेटा ब्यूरेट फुल था, जब आप देखेंगे जो फुल होता है ना बेटा ऊपर से टॉप से, तो टॉप कितना होता है जी, यहां मैंने आपको बताया था ये टॉप कितना होगा, ये देखें इधर, ये जब ब्यूरेट आपका फुल होगा तो ये टॉप कितना है 0.00 यहाँ पे फुल होगा, तो आपने सिर्फ जीरो नहीं लिखना, आप रफ टाइट्रेशन लिखेंगे 0.00 टू डेसिमल प्लेस। फिर जी सॉरी इनिशियल ना आपको इनिशियल में लिखना है, सॉरी इनिशियल रीडिंग ये आ रहा है 0.00। फाइनल कितना है जी, सपोज करते हैं जी के 25 पे हमने किया था ना, ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ये था जी ऐसे, ये 0 पर था और ये सपोज 25 पर था, तो अब आप 25 को ऐसे लिखेंगे, देखिए 25.00 ठीक है ये लिखा, और अब आपके पास आ रहा है जी डिफरेंस कितना आ रहा है 25.00 ये आएगा। अब आपके एक्सपेरिमेंट दूसरा, ये आपका सही एक्सपेरिमेंट ये रफ टाइट्रेशन है ना, अब जो बेटा सही वाली टाइट्रेशन होगी वो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका वॉल्यूम है इससे कम यूज हो रहा होगा, क्योंकि पहले तो आपने ज्यादा डाल दिया था ना, अब आप इससे कम डालेंगे। अच्छा कोई जरूरत नहीं है कि आप ब्यूरेट को दोबारा फिल करें और जीरो पर लेकर आए, अगर आप लेकर आना चाहते हैं ले आए ठीक है, लेकिन अगर आप 25 से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 25 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये लाजमी नहीं है कि आप हमेशा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया तो आपका जो ब्यूरेट के अंदर वॉल्यूम था वो कितना यूज हो गया, 25 यूज हो गया ना, तो अब आप इनिशियल 25 भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं भाई मैंने फिर जीरो से करना है तो आपको मजीद ऊपर से डालना पड़ेगा 25, तो चले हम दोबारा से कर लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम 0.00, और इस दफा जो आप बेटा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रफ टाइट्रेशन के बाद, अब जो रियल में है तो उसमें हमारी जो फाइनल रीडिंग आई है मैं एज्यूम कर लेता हूं यहां पर वो आ रही है 24.00। डिफरेंस कितना आया जी 24.00 का आ गया, ठीक है। अब बार बार क्यूबिक सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैंने पीछे लिखा हुआ है। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया जी, उसमें भी मैंने दोबारा से चले 0.00 से स्टार्ट किया और ये मेरा आ रहा है 29.00। बेटा इसको मैं ठीक कर दूं जरा ऊपर 23.90। अब बेटा देखिए जो मैंने थर्ड एक्सपेरिमेंट की वैल्यू डाली वो मैंने खुद डाली अपने पास, तो आपको जो दो वैल्यूज के बेटा एवरेज लेनी है ना, एवरेज आपको उन दो वैल्यूज की लेनी है जिन दो वैल्यूज में 0.1 या इससे कम का डिफरेंस हो, तो इसलिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ 24.00 प्लस 23.90 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा बेटा मीन टाइटर होगा, मीन टाइटर, ये क्या होगा मीन टाइटर 24.00 प्लस 23.90 डिवाइडेड बाय 2, तो 23.95 टू डेसिमल प्लेसेस एक तो यूज करने, मैं आपको बताऊं 4 मार्क्स आपको किस चीज के मिलेंगे, सुने 4 मार्क्स कैसे मिलेंगे, एग्जामिनर देखेगा कि आया बच्चे ने फाइनल रीडिंग इनिशियल रीडिंग टाइटर उनके साथ क्यूबिक सेंटीमीटर लिए हुए, बिल्कुल नहीं हुए, इस चीज के 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको टेबल बनाने के और ये जो आपने यूनिट्स यूज की हुई। फिर एग्जामिनर देखेगा कि आया इसने 2 डेसिमल प्लेसेस लिए हुए, तीसरा मार्क मिल जाएगा, सब में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। फिर चौथा मार्क आपको आपकी चालाकी के ऊपर मिलेगा, वो ये कि एग्जामिनर ये देखेगा कि इसने ये जो 2 वैल्यूज ली हैं क्या इसमें डिफरेंस, इफ डिफरेंस इज 0.1 और
लेस देन 0.1, अगर डिफरेंस 0.1 या 0.1 से कम है तो आपको चौथा मार्क भी मिलेगा। अब पांचवा छठा सातवां मार्क किस चीज का, ये सुन लें, एग्जामिनर ने खुद भी तो बेटा प्रैक्टिकल ये करके रखा होगा ना, तो आप उसकी रेंज से जितना बाहर जाते जाएंगे ना, आप जितना उसकी रेंज से बाहर जाएंगे उतना आपके मार्क्स कटते जाएंगे। मतलब अगर 0.2 के अंदर आ रहे हैं आप, 0.2 के अंदर आ रहे हैं तो वो तीनों मार्क्स दे देगा। मतलब उसने जो एक्सपेरिमेंट किया और जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.2 तक का आ रहा है, तो वो 5, 6, 7 दोनों मार्क्स, तीनों मार्क्स देगा। अगर आपका डिफरेंस और एग्जामिनर जो उसने परफॉर्म किया 0.2 से ज्यादा आ रहा है, 0.3 आ रहा है, फिर वो आपका एक मार्क काटेगा। अगर 0.4 से ज्यादा का आ रहा है तो दो मार्क्स आपके काटेगा, और 0.6 से भी ज्यादा का आ रहा है तो तीनों मार्क्स बेटा आपके काट लेगा। तो ये 5, 6, 7 जो है ये आपके एक्यूरेसी के ऊपर है। सर, इफ आवर वैल्यूज आर नॉट क्लोज टू एग्जामिनर रीडिंग एंड वी आर यूज आवर रीडिंग टू टेक कैलकुलेशन में कट फ्रॉम कैलकुलेशन। हैदर, मुझे समझ नहीं आई बेटा क्या पूछा आपने, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया। मैं आपको एक मिनट बेटा, मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ, वेट अ मिनट। मैं आपको ना मार्क्स स्कीम बल्कि ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग बेटा खुद भी मार्क्स स्कीम इस पेपर की खोलिएगा, आपको समझ आ जाएगी। वो आपको बता रहा है कि 0.2 तक 5, 6, 7 तीनों मार्क्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये तीन मार्क्स है, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ तीन मार्क्स है बेटा किसके, एक्यूरेसी के। एक्यूरेसी पता है ना कि आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू वैल्यू के साथ मैच कर रहा हूँ। प्रिसियन, ये जो टेबल के मार्क्स हैं जो मैंने आपसे कहा है कि आप खुद तीसरा रिजल्ट, आप प्रिसियन जो है ये आपको बेटा प्रिसियन का एक नंबर आपको मिलेगा टेबल में, ठीक है। मैं आपको एक और वैल्यू बताता हूँ। सपोज करते हैं आपको इस तरह आ गया बेटा कि ये है टाइट्रेशन नंबर, ये 1 रफ है, ये 2, ये 3। ये जरा एक और देख लें ताकि आपको टेबल बनाना आपको आना चाहिए बेटा। यहां लिखेंगे फाइनल ब्यूरेट रीडिंग इन क्यूबिक सेंटीमीटर, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग इन क्यूबिक सेंटीमीटर, और यहां लिखेंगे टाइटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ रहा है सपोज 22.00, 1.00, 21.00, दूसरा आ रहा है 23.00, 2.35, और ये आ रहा है 20.65। अब देखिए तीसरा मैंने कर रहा है ना बेटा, तीसरा तो तीसरा मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं खुद बस 0.1 का डिफरेंस डाल दूंगा, मतलब 20.55 का डिफरेंस ये वॉल्यूम यूज होना चाहिए, 1.60 और 22.15 इस चीज के मार्क्स है। वो देखेगा कि इसने जो दो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो 0.1 के अंदर आ रहे हैं, तो आपको चौथा मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो टेबल के अंदर फिर मैं बता रहा हूँ, टेबल में मार्क्स किस चीज के हैं, यूनिट्स, और ये वर्डिंग ये लाजमी लिखिएगा। दूसरा मार्क किस चीज का है कि ये डेसिमल प्लेसेस, वो देखिएगा 2-2 डेसिमल प्लेसेस लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए, ठीक है। अच्छा, टेबल का जो लेबलिंग है एक मार्क इसका भी है बेटा, लेबलिंग का भी एक मार्क है बेटा। आप रफ टाइट्रेशन अगर उसने ऊपर अलहदा से कॉलम दिया हुआ है माहीन, तो आपको टेबल रफ टाइट्रेशन टेबल का अंदर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसने अलहदा से नहीं पूछा हुआ रफ टाइट्रेशन को, तो आप टेबल के अंदर बना दो। और चौथा मार्क बेटा इस चीज का होगा कि आपने आया ये जो दो एक्सपेरिमेंट किए हैं इनके रिजल्ट प्रिसाइज हैं, तो आपको चौथा मार्क मिलेगा। अच्छा, एक और बात वही कहता है, वो ये कहता है कि अगर बच्चे ने ये दो रिजल्ट्स लेकर आया जो 0.1 के अंदर आ रहे, आपको बेटा फिर चौथा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया और उसका रिजल्ट इससे ज्यादा डेविएट कर गया, मतलब वो दोबारा 21.00 आ गया और आपने वो करके छोड़ दिया, तो एग्जामिनर फिर आपके मार्क्स काटेगा। बस जब दो रिजल्ट्स आपके 0.1 के अंदर आ जाएं, तो आपको मजीद जो है ना प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं होगी। अब बेटा कैलकुलेशन पर आ जाते हैं, कैलकुलेशन तो बहुत आसान है। डिस्पोज करते हैं हमारा वॉल्यूम इतना यूज हुआ है 23.95, राइट, यहाँ लिखता हूँ 23.95 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ FA1। आगे कैलकुलेशन है बेटा, मोल वाली सिंपल, कह रहा है कि शो योर वर्किंग एंड एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर इन द फाइनल आंसर टू ईच स्टेप ऑफ योर कैलकुलेशन, कैलकुलेट द number of moles of manganate ion present in the volume of FA1 calculated in B।
बट FA1 का देखिए उसने आपको कंसंट्रेशन दी हुई है ना 0.02, यहाँ है कंसंट्रेशन आपको पता है 0.02 है और वॉल्यूम आपको पता चल गया कितना है 23.95। अब बेटा आप इसको मोल निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 1000 कर दें, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा देखें, 0.02 टाइम्स 23.95 डिवाइडेड बाय 1000 इसको कैलकुलेट कर लें शाबाश जल्दी से, और आगे कोशिश करें जरा आप लोग करें ना, मैं आपको एक चीज में बताऊंगा, करें बेटा इसको शाबाश कैलकुलेट। हरी अब ऐसे मत बैठने बेटा, इसको शाबाश जल्दी से कैलकुलेट करें, मोल्स निकालने हैं आपने 0.02 टाइम्स 23.95 डिवाइडेड बाय 1000। जी बेटा -4। अच्छा बेटा आगे चलें, आप मोल्स ऑफ आयरन टू बताने जी आपने, मोल्स ऑफ आयरन टू। अब देखें आपको मोलर रेशियो ने बताई हुई है ना, इक्वेशन में देखें मोलर रेशियो इज गिवन। अब एक में मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा था, बाज बच्चे जो प्रैक्टिकल को लेकर बड़े परेशान हो रहे होते हैं सर प्रैक्टिकल, बाज ऐसे बच्चे हैं जो आज तक लैब भी नहीं किए ना, अब उन लोगों के लिए बेटा देखें सिर्फ 3 मार्क्स आपके टाइटेशन में जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं अच्छा किया, बाकी तो भाई कॉमन सेंस है कि आप खुद थोड़ा वर्किंग करें तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको मोल की कैलकुलेशन आती है, टेबल बनाना आता है, तो आपको मार्क्स यहां से मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब जी आपके पास मोल्स ऑफ आयरन टू कितने हो जाएंगे, क्योंकि 1:5 है, आप इसमें देख सकते हैं कि 5 मोल आयरन टू के यूज होंगे 1 मोल MnO4 के मुकाबले में। तो 4.79 times 10 raised to power minus 4 times 5, इसको बेटा 5 कर दें, इसको 2.39 times 10 raised to power minus 3, अच्छा अब बेटा देखिए यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर, वो कह रहा है शो योर वर्किंग एंड एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर इन फाइनल आंसर टू ईच स्टेप। अब आप ये देखें कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, आप जरा क्वेश्चन पढ़ें और बताएं मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर एग्जामिनर ने कितने यूज किए, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आपने उतने यूज करने हैं। अब यस, लेकिन वो आपको अलाउ कर रहा है, उसने कहा है अगर आप मार्क्स इसकी देखें ना, वो कह रहा है कि 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन मिनिमम 3 जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसमें आंसर लाजमी होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बेटा 3 जो है सिग्निफिकेंट फिगर आप यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन। अच्छा ये जो मोल्स आए ना, ये आ रहे हैं बेटा 25 में, ये मोल्स कितने में आ रहे हैं 25 में, आपने 1000 में निकालने, यहां से देखे ना वो 1000 में पूछ रहे हैं, तो ये 25.0 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर उसने भी यूज किए हुए, 25.0 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल आ रहे हैं 2.39 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 3, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आएंगे x आएंगे, बेटा आप यहां से 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में मोल निकाल लें, 0.00239 टाइम्स 1000
डिवाइडेड बाय 25 ये आ रहा बेटा 0.956। अब ये कंसेंट्रेशन आ गई ना, अब आपने क्या करना है जी, अब जरा आगे चलें, लास्ट पार्ट है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन हो गया हमारा। Fe2 वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग हाइड्रेटेड अमोनियम सल्फेट। जरा हाइड्रेटेड अमोनियम सल्फेट को देखें, NH4 होल ट्वाइस Fe, ठीक है बेटा मैं इसको सही कर लेता हूँ, क्या आ रहा है ये 0.0956, ठीक है। शाबाश, ठीक है भाई। अब जरा एक लास्ट पार्ट देखने बेटा, फिर क्लास हम खत्म करते हैं। अमोनियम ट्वाइस है, आयरन है, देन SO4 होल ट्वाइस, देन 6H2। बेटा अगर आप इसको डिसॉल्व करें तो जरा आइंस तो बनाए, 2 मोल अमोनियम आयन के बनेंगे, 1 मोल बेटा आयरन 2 का बनेगा, और 2 मोल बेटा सल्फेट आयन के बनेंगे, और साथ में वाटर। तो देखें कि आप मुझे ये बताएं कि जो ऊपर आयरन 2 के आपने कंसेंट्रेशन बताई है 0.0956, मोलर रेशो क्या है भाई, 1:1 नहीं है। अमोनियम आयन अगर होते ना वो हाफ हो जाने थे, देखें, क्योंकि जो ये सॉल्ट है ना ये 2 मोल अमोनियम आयन बना रहा है और 1 मोल आयरन बना रहा है, तो जितने आयरन के मोल्स होंगे उतने ही इस सॉल्ट के भी होंगे। तो बेटा आप ये करेंगे कि अगर आयरन 2 0.0956 जो कि आपको ऊपर से पता चल रहा है, इसका मतलब है सॉल्ट भी इतना ही है 0.0956, तो इसके मोल्स आ गए, मोल्स आ गए ना बेटा इसके। तो अब ये फॉर्मूला लगा दें, मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम अवर MR या फॉर्मूला मास। बेटा मोल्स आपके पास हैं 0.0956, मैस इन ग्राम बेटा आप यहां से निकाल लेंगे, MR आप इस कंपाउंड का खुद निकाल लें, और 6H2O को बेटा बीच में ऐड करेंगे, राइट, 6H2O को बेटा बीच में डालेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि 392.0 आ रहा है, इतना कुछ आ रहा है 392.0, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है ये MR है 392.0, इसको आप 0.0956 टाइम्स 392, तो ये आपके पास आ रहा है 37.5 ग्राम्स, इतने ग्राम्स बेटा आप डिसॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल की क्लास में आपको एक रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करा दूं, रेट ऑफ रिएक्शन, सॉल्ट एनालिसिस, तो आप लोग बेटा खुद उसमें भी चलें, कुछ चीजें मैं आपकी कोशिश करूंगा, कुछ नई चीजें आपको बताऊं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, मेरी बात सुने, कोई बच्चा इस उसमें ना रहे जी प्रैक्टिकल की हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यू चूज करें, कोई वैल्यू बेटा यहाँ से चूज करें खुद टाइट्रेशन की, और आगे कैलकुलेशन करें, टेबल बनाना सीखें, ठीक है, बार बार अपनी प्रैक्टिस करें कि आपने जो 2 वैल्यूज ले ली है उसमें 0.1 या इससे कम का गैप लेकर आना है, और बाकी कैलकुलेशन का तो कोई ताल्लुक नहीं है बेटा प्रैक्टिकल से, तो ये कैलकुलेशन आप लोग खुद करें, ठीक है जी।